अगर आप लोग अपनी वीडियो को कट करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, अपनी गलतियां उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, तो जनाब वो कैसे करेंगे स्मूथली, ये वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल फोन में ही VN वीडियो एडिटर से एडिट किया है। आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है, स्मूथ कटिंग कैसे करते हैं। मुश्किल इसमें कोई चीज नहीं है, बस आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो मजीद टाइम जाया नहीं करते और जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब हम सबसे पहले अपना VN वीडियो एडिटर ओपन करेंगे। इसमें हम वो वाली वीडियो ले आएंगे जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये मैं ले आया, ठीक है। पहले अपना वीडियो गौर से सुने सारा कि आपने कहां कहां पे गलती की है, फिर वो पॉइंट अपने माइंड में बिठा लें कि आपने कहां से इसको कट करना है। ये वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल फोन में ही VN वीडियो एडिटर से एडिट किया है। आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है मुश्किल इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे एंड पे, अपना VN का जो लोगो आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये देखिए सबसे पहले नीचे जो आपको आवाज नजर आ रही है, ठीक है, ये जो वोकल यहाँ से ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इस चीज पे आपने ध्यान देना है। अगर आप फर्ज करें यहाँ से ये नीचे ये जीरो है आवाज आपकी, तो ये देखिए आवाज कट रही, मतलब आपकी आवाज यहाँ पे है ही नहीं। तो इससे आगे आगे अगर ये वॉल्यूम ऊपर लेवल ऊपर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आवाज है, यहाँ पे कोई ना कोई बात है। अब आपने क्या करना है कि इस लेवल पे आए यहाँ पे, और अपनी स्क्रीन को यहाँ से जूम इन करें दो फिंगर्स के साथ, ठीक है। यहाँ से ये करेंगे जूम इन, जितना जूम जाके आप स्प्लिट करेंगे वीडियो को, उतना ज्यादा आपका कट स्मूथ लगेगा। यहाँ पे एक रूल नंबर वन आपको यही याद रखना है कि जूम इन करें अपनी वीडियो को और फिर आप कट लगाएं। मैं जूम इन किया जितना ज्यादा मैं इसको बंद कर सकता था, और यहाँ पे लाके बिल्कुल यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट नहीं करना, थोड़ा सा पीछे एक दो फ्रेम्स ऐसे पीछे आऊँगा, यहाँ पर आके वीडियो को क्लिक किया और मैंने ये देखे जी स्प्लिट का बटन दबा दिया। अब ये मेरी वीडियो स्प्लिट हो चुकी है। अब ये शुरू वाला हिस्सा मेरा फालतू है, तो मैंने क्या किया इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब प्ले करें इसे। अगर आप लोग अपनी वीडियो को कट करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, अपनी गलतियाँ डिलीट करना चाहते हैं, अब यहाँ से आप वापस जाएँ अपनी गलतियों पर, यहाँ पर, ठीक है, अपनी। अब आप लोग कुछ बंदे क्या करते हैं यहाँ पे रख के कट लगा देते हैं, वो आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, एक दो फ्रेम्स थोड़ा सा पीछे जाना है और यहाँ पे रख के आपने स्प्लिट का बटन दबाना है। और अब प्ले करें अपनी गलतियाँ, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोला था अपनी गलतियाँ, वहाँ पे सुनते हैं। चाहते हैं ट्रिम करना चाहते हैं अपनी गलतियाँ, ये देखें जी अपनी। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती की थी आप लोगों के लिए, क्यों ये सुनिएगा। चाहते हैं अपनी चाहते और अपनी का मिक्स कर दिया मैंने, तो मैंने इसको बिल्कुल जूम किया और यहाँ पे आके ये जहाँ पे वोकल मेरी थोड़ी सी डाउन जा रही है, लेवल्स पे ध्यान दें आप लोग, ठीक है। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको खुद समझ नहीं आएगी, जितना मर्जी आप सुन लें। मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है, अब सुने अपनी गलती, ये देखिए जी अपनी गलती। अब यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा इसको डिलीट कर दें और ये खुद बहुत मिल जाएगा, अब सुने से अपनी गलती। अभी भी थोड़ा सा जंप है, तो हमने क्या करना है इसको, ये जो बिल्कुल यहाँ से ये लास्ट फ्रेम है ना, आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना, लास्ट फ्रेम पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको डिलीट दबा दें। अब ये जो फ्रेम है ना बीच में, ये थोड़ा सा जर्क कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब सुनते हैं हम ट्रिम करना चाहते हैं अपनी गलतियाँ डिलीट, ये देखा है अब कितना परफेक्ट हो गया ये। ट्रिम करना चाहते हैं अपनी गलतियाँ डिलीट करना चाहते हैं अपनी गलतियाँ उसमें से रिमूव। अब ये देखें जी, अब यहाँ पे भी मेरे से गलती है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके इसको स्प्लिट नहीं करूँगा। मैंने क्या करना है इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के, आवाज़ वोकल शुरू होने से पहले यहाँ पे रख के मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा मैं इसका डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। चाहते हैं अपनी गलतियाँ उसमें से, ये देखें आप, ठीक है, चाहते हैं अपनी गलतियाँ उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, तो जनाब वो कैसे करेंगे वो भी स्मूथली मैं आपको बताऊँगा। वो कैसे करेंगे स्मूथली, ये वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल, मतलब ये वीडियो मुझे यहाँ से दोबारा स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा अगेन वही गलती, जूम इन करूँगा, जूम आउट करूँगा ना, जूम आउट करके यहाँ पे अगर एक कट लगा दूँगा तो मुझे कोई पता नहीं मेरा कट कहाँ पे लगा है। इसलिए मैं क्या करूँगा लेवल्स देखने के लिए कि मेरी वोकल के लेवल कहाँ पे नोट्स ऊँचे जा रहे थे, तो मैंने क्या किया जूम इन किया दोनों अंगूठों से पकड़ के उस क्लिप को, और यहाँ पे आके ये वोकल मेरी शुरू हो रही है, और यहाँ से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आके मैंने इसको स्प्लिट का बटन दबा दिया, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम जूम आउट करता हूँ इसको, मूव करना चाहते हैं, तो जनाब वो कैसे करेंगे, तो जनाब यहाँ पे हमने रखना है, जनाब हमने यहाँ से ही इसको कट नहीं करना, जूम इन करके हमने थोड़ा सा आगे आके इसको, ये आप यहाँ पे फ्रेम्स देख सकते हैं, ठीक है, हमने इस फ्रेम पे लाके इसको स्प्लिट का बटन दबा देना, तो आगे वाला हिस्सा हमने डिलीट कर देना, ठीक है। और आप प्ले करके सुनो जनाब,
अब ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा इसको डिलीट करूँगा, इतने हिस्से को भी मैं डिलीट करूँगा। देखिए दो फ्रेम्स, तीन फ्रेम्स है मेरे ये, अगर आप यहाँ पे गिने 1, 2 और 3, ठीक है, ये फ्रेम्स है नीचे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसको स्प्लिट का बटन दबा देता हूँ और इस वाले क्लिप को मैंने क्या करना है डिलीट। और अब सुनते हैं हम, तो जनाब वो कैसे करेंगे। ये देखें 2 से 3 फ्रेम्स भी अगर आप लोग छोड़ देते हो ना, तो आपका जो स्प्लिट है वो कितना गंदा लगता है। तो आप लोगों ने बस जूम इन करके रखना है और इसी तरह से ही अपनी वीडियो को ट्रिम करते जाना है। और ये देखें जी, फिर से हम अगर इसका एक एक दो दो फ्रेम्स भी उड़ा देते हैं ना, अगर सिर्फ दो दो फ्रेम्स, तो फिर देखिएगा आप कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। एक फ्रेम, ये डिलीट पड़ता है। मुश्किल इसमें ध्यान रखना पड़ता है, मुश्किल इसमें कोई चीज नहीं है, बस आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, तो मजीद टाइम से नहीं करते और जल्दी से चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। स्मूथ कटिंग थी, बस आपको जूम इन करना है अपने अंगूठों के साथ अब उस क्लिप को जिसको आप एडिट कर रहे हो, और उसके बाद आपने उसको स्प्लिट करना है। और इसके बाद अगर आप लोग इसे कलर देना चाहते हो, इसके कलर्स ठीक करना चाहते हो, तो ये आओ यहाँ पे फिल्टर्स पे, उस क्लिप को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे और कोई भी फिल्टर नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा सीधा सा इसके एडजस्टमेंट में जाके खुद इसको एडिट करूंगा, ठीक है, खुद इसके कलर्स एडजस्ट करूंगा, वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा, जो कुछ भी आपका दिल करता है ये देख लें जी आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। खैर कलर ग्रेडिंग का ये टॉपिक नहीं है, बस टॉपिक है आपके कट्स का। तो कट्स में जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो यही है, ऑडियो का जो वॉल्यूम है उसको आपने देखना है, उसको देख के आपने फिर कट लगाना है, ठीक है। जूम इन करें, ऑडियो का वॉल्यूम देखें कि वो कहाँ पे डाउन हो रहा है, कहाँ पे अप जा रहा है, उसको देख के ही कट लगाएं। और बस यही है, इस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कट्स बेहतरीन होंगे। जो मेरा पहला वीडियो था उसके कट्स बेहतरीन नहीं थे, मैंने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की उतनी ज्यादा वो कट्स मेरे बेहतरीन होते गए। तो आप लोग भी अगर पहला वीडियो अच्छा नहीं जाता, उसी वीडियो के ऊपर दोबारा से प्रैक्टिस करो, 2-3 वीडियो के बाद आपके कट्स बेहतरीन लग जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। बस आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, जूम इन करके स्प्लिट करना है, उसके बाद जनाब आपकी वीडियो पे स्मूथ कट्स लग जाएंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको आती है ज्यादा पसंद, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तखलिया।